गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। पेज नंबर 54 टेंसेस, आज हम टेंस पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। ये आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस के बारे में। सबसे पहले शुरू होता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म का हम यूज करते हैं इसका। गो, स्लीप, वॉक, मूव, है ना, डू, डज, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म का वर्ब, जहां पर आपको वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, इसको, इसमें ओनली वर्ब की पहली फॉर्म आती है, इसको आप नोट कर लेना। इसमें सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। आई वर्क हार्ड, आई स्विम इन द पूल, एंड द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई है, स्विम है, वॉक है, ये वर्ब ये शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको जब हम निगेटिव बनाते हैं, इस तरह के टेंसेस को जब हम निगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनते हैं, ये निगेटिव, इसमें हम डज नॉट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं डज का, नॉट निगेटिव में लगता ही है तो डज नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम डू लगाते हैं, डू नॉट, ठीक है ना। जैसे ही वर्क हार्ड, इसको आप निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही डज नॉट वर्क हार्ड, इस एस को हटा देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, आई ई एस लगा है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर हम डू को डज में बदल देते हैं, तो ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये निगेटिव बन गया। आप निगेटिव हमेशा सिंपल प्रेजेंट का इसी तरह बनाएंगे अगर एग्जाम में आपके आए तो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ब। इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग कैसे होती है, वर्ब से होती है। तो चूंकि मेन वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज, ठीक है। तो ये वर्क मेन वर्ब है, दूसरे वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर होता है सेंटेंस में तो हम उसी की हेल्प से निगेटिव इंट्रोगेटिव बना देते हैं, अर्थात इन अदर वर्ड इसमें हम डज नॉट दोनों वर्ड का यूज नहीं करते, ठीक। तो ही वर्क्स, तो यह क्या हो जाएगा, डज, डज ही, एच को हम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डज ही वर्क हार्ड, आगे लगा देंगे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव हैंड टू हैंड आपको बता दिए और आपकी समझ में आ गए होंगे। यहां दिया हुआ इन्होंने सिंपल कंटिन्यूअस, इसके बाद नेक्स्ट जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज किस सिचुएशन में करते हैं ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बार बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें। हैबिचुअल एक्शन, किसी भी आदत को बताने के लिए हम क्या यूज, हम कौन सा टेंस लगाते हैं वहां, सिंपल प्रेजेंट। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, एवरी डे जो काम आप करते हैं वो आपकी हैबिट है, वो आपकी आदत है, रूटीन है आपका, वहां यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नंबर टू है यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक ट्रुथ, ठीक है भाई, सॉरी, ओके, थैंक यू। यूनिवर्सल, वो सच्चाई जो दुनिया में एक ही हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरे संसार में सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट होता है। द कलर ऑफ ऑल द बर्ड्स आर, ऑल द बर्ड्स फ्लाई, जितने पक्षी हैं वो उड़ते हैं, है ना, पक्षी कहीं का भी हो उड़ेगा, तो ये कौन सा ट्रूथ है, यूनिवर्सल। थर्ड जो सिचुएशन है वो है दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है,
क्या, माय पेरेंट्स लिव इन सिटी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते, किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तो मुझे मैं उस टाइम उनको बताऊंगा, वो जहां भी रहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ तब भी मैं इस टेंस का यूज करूंगा, ही लिव, माई पेरेंट्स लिव सिटी। नेक्स्ट है आपका रनिंग कमेंट्री, कोई कमेंट्री चल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर इवेंट, आने वाली घटना, ये कंफ्यूज करेगा आपको, आने वाली घटना के लिए हम शैल विल लगाते हैं, वो अपनी जगह करेक्ट है, शैल विल लगाएंगे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट या उसका कह सकते हैं ना हम सब्स्टिट्यूट, ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, आने वाले वक्त की बात करते हैं विद सम कंडीशंस, जैसे दे लीव फॉर सिंगापुर बाय द नेक्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना, अगर टाइम टेबल ये शेड्यूल डिसाइडेड है, तय है, ऑलरेडी तय है पहले से कि मैं दो दिन बाद स्कूल आऊंगा, तीन दिन बाद सीएम राजस्थान में टोंक जिले में आएंगे, तो ये ऑलरेडी तय है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सिचुएशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको समझना है स्पेशली, बाकी तो आपको आते हैं मुझे मालूम है, ठीक है। अब आपका वर्क ले लें, तो वर्क ले लीजिए आप, वर्क है आपका 52 पेज पर, ये प्रीपोजिशन है, इनको फिल कर लीजिए आप। नंबर वन है द बॉय रैन अक्रॉस, तो मैं ओनली आंसर बोल देता हूं, 52 पेज प्रीपोजिशन, नंबर वन में अक्रॉस, नंबर टू में इनटू, नंबर थ्री में थ्रू, नंबर फोर में बाय बीवाई, नंबर फाइव में सिंस, नंबर सिक्स में इन, नंबर सेवन में विद, नंबर एट में एट और इन, पहले में एट दूसरे ब्लैंक में इन, नाइन में इनटू और टेन में ऑन, ये दस आप फिल कर ले, मैंने आंसर बता दिया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।